Hello everyone, I am Anjali in front of you, your biology faculty. Welcome to you all in your own channel, Sri Krishna Classes. मैं अंजलि आज आपके सामने आई हूँ. आज तक आपने मेरी सिर्फ आवाज सुनी थी, आज मुझे लाइव देख पा रहे हैं. आज मैं क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रही हूँ बोर्ड पे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज से, इसमें कंटेंट मैंने लिख रखा है जो आपको दिख रही होगी. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, कैसे होता है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में सेल का पता चलेगा. उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने टाइप्स के होते हैं. फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. बहुत सारे ईयर लर्न करना है, बहुत
1839। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन फिर याद हो जाएगा। तो हमने देखा कि डिस्कवरी कैसे हुआ सेल का, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि उन्होंने एक थिन स्लाइस लिया कॉर्क का, उसने अपना सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको दिखा क्या कुछ खाली जगह है और उसमें क्या है कि उनको वो खाली जगह बॉल से बाउंडेड है। जब इन्होंने देखा तो वो कैसा लगा, उनको हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर का लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, एक लैटिन वर्ड उठाया सेलुला, उनको जो एक खाली रूम की तरह दिखा तो उन्होंने क्या किया, एक लैटिन वर्ड लिया सेलुला जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। उन्होंने सेलुला से क्या बनाया, सेल। उन्होंने सेलुला से सेल बनाया। अब वो सेल अभी तक काम आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की बायोलॉजी में वो सेल का टर्म उन्होंने दिया है। उसके बाद इतना करके इन्होंने छोड़ दिया, फिर एंटर में ह्यूमन लॉ ने आगे डिस्कवरी को कंटिन्यू किया। इन्होंने कंटिन्यू क्या किया, इन्होंने माइक्रोग्राफिया जो रॉबर्ट हुक ने बुक लिखी थी उसको पढ़ा पहले, उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने क्या देखा कि पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कैसे हुआ। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी किया उन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने किया न्यूक्लियस का डिस्कवरी, और 1831 में इन्होंने डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर जे पुरकिंस जी हैं, इन्होंने 1839 में क्या किया कि प्रोटोप्लास्ट एक वर्ड टर्म दिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है साइटोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंबाइन करके तुमको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब चलिए आगे पढ़ते हैं लोग सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी जब ये सब हो गया तो उसके बाद बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आगे आए और उन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी बनाया। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने बनाया, स्केलेडन ने। इनका पूरा नाम है जेको मैथियस स्केलेडन और स्वान थियोसर स्वान। इन्होंने क्या किया कि मिलके बताया कि जो सेल है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो किस चीज से बने हुए हैं, तो सेल से बने हुए। ये 1838 और इन्होंने 1839 में ये सेल थ्योरी दिया। उसके बाद जो भी पहले के सेल होते हैं वही डिवाइड होके सेल बनाए हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, तो हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर कवरिंग है। इसका मतलब है कि क्या करता है, साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है, सेपरेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके ऐसा कहते हैं क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सारे मटेरियल को परमिशन नहीं देता है कि इसे एंट्री करे सेल के अंदर या सेल के बाहर जाए, एग्जिट और एंट्री में सबको परमिशन नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ बाहर की तरफ, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक टर्म आया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन एक ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का जो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। वैसा रीजन जो इसका रीजन हाई हो कंसेंट्रेशन जहाँ पे, उससे लो रीजन की तरफ होता है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हमारा जो सेल के बाहर या CO2 का कंसेंट्रेशन लो होता है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन हाई होता है और CO2 का कंसेंट्रेशन यहाँ पे लो होता है। तो मूवमेंट कैसे होगा, अंदर से बाहर की तरफ इसका मूवमेंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल में ऑक्सीजन था लेती O2 का। O2 का क्या होता है, कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ ज्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है। सेल के अंदर क्या होता है, लो होता है, और सेल के बाहर क्या होता है, हाई होता है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन। तो मूवमेंट कैसे होगा, हाई से लो की तरफ। यहाँ पे हमने देखा हाई से लो की तरफ हुआ, इधर भी हाई से लो की तरफ हुआ। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ हाई रीजन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज लो। इन दोनों एग्जांपल से आप लोगों का ये
ही क्लियर होगा हो गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस भी क्या करता है कि डिफ्यूजन का लॉ ही फॉलो करता है। दोनों का डेफिनेशन सेम होता है, बस इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। इसमें क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये सेल है, ये मैंने बीकर लिया है और ये बीकर है और इसके अंदर मैंने एक सेल लिया। आप एक एग्जांपल ले सकते, मान लो ये एग है, ये क्या है एग है, तो मैंने इसको क्या किया बीकर के अंदर डाल दिया। बीकर के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है हाई है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो है, तो मूवमेंट कैसे होगा? अगर मान लिया जाए कि बीकर के अंदर कंसंट्रेशन क्या है हाई है और इसके एग के अंदर लो है, तो मूवमेंट कैसा होगा? हाई से लो की तरफ, मतलब बीकर से पानी कहाँ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, तो एग की ओर जाएंगे। तो सेम लॉ ये भी फॉलो करता है। अब हम लोग तीन एग्जांपल्स लेते हैं कि हमने तीन बीकर लिया है। ये एक बीकर है जिसमें एग लिया, ये दूसरा बीकर है इसमें भी हम एग का एग्जांपल लेंगे और ये तीसरा बीकर है इसमें भी हमने एग लिया। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स डाला, इसमें ज्यादा हम लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स डाला और एग में कम मॉलिक्यूल्स दिया। इसमें क्या किया, जितना मॉलिक्यूल्स वाटर में है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स एग में भी है। इसमें क्या किया, एग में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर है, तो एग के अंदर है वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, कंसंट्रेशन क्या है हमारा कम है और बाहर क्या है ज्यादा है, तो क्या वो मूवमेंट कैसे होगा बाहर से अंदर की ओर, तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक। इसको कहेंगे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें क्या हुआ कि एग के अंदर जो था वाटर मॉलिक्यूल्स कम था, एग के बाहर क्या था ज्यादा था, तो मूवमेंट कैसा होगा बाहर से अंदर की ओर। जब भी वाटर एग में जाएगा तो एग क्या करेगा स्वेल करेगा, ठीक है स्वेल करेगा एग। दूसरा हमने बीकर लिया जिसमें क्या हुआ दोनों में इक्वल है, मतलब बीकर के बाहर भी हमने इक्वली ले रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स और एग के अंदर भी उतना ही है, तो ये क्या करेगा कि इधर से बाहर एग्जिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स और फिर ये बाहर वाला क्या होगा एग करेगा, तो दोनों का सेम डायरेक्शन है, मतलब ना और क्या होगा कि दोनों का प्रेशर सेम होगा, ना तो ज्यादा ये बाहर करेगा ना अंदर करेगा, इक्वल अमाउंट में दोनों ट्रांसफर एक दूसरे में करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा आइसो टोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये तीसरा हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बीकर में वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम होता है, एक में ज्यादा होता है, तो क्या होगा हमने ऑस्मोसिस में पढ़ रखा है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, तो इसमें क्या होगा कि ये एग से क्या होगा बाहर आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आएगा और एग क्या हो जाएगा एग श्रिंक कर जाएगा, जो इसका साइज होगा पहले से क्या करेगा एग श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीन सॉल्यूशन टाइप, तीन टाइप का सॉल्यूशन हो गया, पहला हाइपोटोनिक, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। तो आज हमने अभी तक पढ़ी क्या क्या चीजें, तो डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा, फिर इसका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में और जो भी बाकी रेस्ट टॉपिक्स बच गए हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में।